अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं बेटा, इसका नाम है यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ है, तब होता है जब हम सब यानी कि कंज्यूमर सबसे ज्यादा क्या गेन करते हैं, सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं। दूसरा क्या पढ़ा हमने उसके बाद, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब दुकानदार को सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब बात आती है बेटा क्या, इसके लिए हम पहले समझते हैं भाई, एक पार्ट आया हमारा यहाँ पे क्या, कंज्यूमर, ठीक है। और मैं कंज्यूमर की बात करूं बच्चे, ये क्या करता है, डिमांड करता है। उसके बाद क्या आता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है बच्चे, सप्लाई करता है। अब सीधा सा लॉजिक ये है भाई, दुकानदार प्रॉफिट कमा के खुश है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पा के खुश है। अगर हम बाजार की बात करें, बाजार कब खुश होगा, जब दुकानदार और कंज्यूमर दोनों ही क्या होंगे, दोनों खुश रहे। तो बेसिकली इसीलिए ये बोला जाता है कि बेटा जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो तब होता है व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू, यानी जब मार्केट में होने वाली डिमांड सप्लाई के बराबर है, यानी जो भी मार्केट के अंदर कंज्यूमर आ रहा है दुकान पे वो खाली हाथ नहीं जा रहा, उतनी हम उसको सप्लाई दे पा रहे हैं। तो मार्केट क्या चल रही है हमारी, एक तरीके से इक्विलिब्रियम में चल रही है। क्लियर ये पॉइंट। अब सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बेटा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी ये 6 मार्क्स का है, ठीक है। आप कहोगे सर ना थ्योरी है ना प्रैक्टिकल है, तो बचा क्या इसके अंदर, और 6 मार्क्स का भी है। पूरा का पूरा चैप्टर डायग्रामेटिक है ये बेटा, ठीक है। इसमें बनना ही क्या है, पूरा का पूरा डायग्राम्स के ऊपर बेस चलेगा ये। अब उसको समझने के लिए पहले हम इसका इनिशियल डायग्राम समझते हैं, उसको जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए। आप देखिए, सबसे पहले बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वाई एक्सिस और, ठीक है, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस। हमने ये पढ़ा है कि भाई जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, उसमें कौन सा लिंक है बच्चे हमारा, नेगेटिव लिंक होता है, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व के अंदर डिमांड कर्व है वो कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो अगर मैं इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाता हूँ तो बच्चे एक ये लाइन आई हमारी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गई, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा, डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व में क्या होता है, पॉजिटिव लिंक होता है, तो जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसे बनता है बेटा हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। ये जहां पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, क्या करते हैं यहाँ पे, ये इंटरसेक्ट। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या बन गया आपका, एक तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है, ये क्या बन गया हमारा यहाँ पे, एक इक्विलिब्रियम बन गया। एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा ई से, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या डिनोट करते थे बेटा हम, तो इस कंडीशन के अंदर जो ये प्राइस आया, ये कौन सा प्राइस है मेरा, इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। और यहाँ पे किसको डिनोट करते हैं बेटा, क्वांटिटी को। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी निकल के आएगी बेटा हमारी, वो कौन सी आएगी, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी। तो ये बन गया आपका क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ आपको मस्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे क्या बनेंगे अब सारे के सारे आगे फर्दर ग्राफ्स बनेंगे। तो ये जो ग्राफ बनाया हमने, क्या बनाया बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम का। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, मार्केट इक्विलिब्रियम के बाद अगर इसमें ना कंडीशंस बनेंगी बेटा, देखो कंडीशंस क्या बनती हैं, पहले हम कंडीशन करते हैं बेटा इंक्रीज की, किसकी करते हैं, यानी जो भी होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम पहला पार्ट करते हैं इसका, डिमांड इज ग्रेटर देन, ठीक है, या फिर हम सिंपल लिखते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन, नहीं हम लिखते हैं यहां पे कि इफ डिमांड इंक्रीजेस, और दूसरी तरफ हम बनाएंगे इसके अंदर If supply increases, भाई आप सबको ये अच्छे से बताया, सबको जितने बैठे हो कि बेटा कभी भी अगर कोई इंक्रीमेंट आएगा तो वो कहां पे शिफ्ट होगा, हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, कहां पे शिफ्ट होता है, राइटवर्ड। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं बच्चे, देखिए यहां
सबसे पहले जब भी आपने ये डायग्राम बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप पहले बनाओ इसका इनिशियल डायग्राम। इनिशियल मतलब ये हो गया डिमांड, ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गया बच्चे आपका यहाँ पे पी क्वांटिटी, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट आप देखिए जो भी चेंज आ रहा है ना, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ इस वाले से, ताकि आपको बता रहे वही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या बढ़ी है, हमारी डिमांड बढ़ी है। क्या बढ़ी है? डिमांड। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है डिमांड कहाँ शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ से ये डिमांड कब का है, मैंने इसको यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट कर लिया। ये हो गया हमारा क्या, इसको दे देते हैं हम डी डैश का नाम। अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ दिख रहा है बच्चे आपको, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इवन हो गया। अब इसको यहाँ पे वापस मिला दो आप, यहाँ पे क्या हो गया ये Q1, यहाँ पे क्या हो गया ये, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ रहे हैं। और तो अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि हमारा प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इसको अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं भाई, एक बाजार है जो कि इक्विलिब्रियम में चल रहा है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर थी। ठीक है, सडनली क्या हुआ, मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई में कोई चेंज, सिर्फ डिमांड बढ़ी है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब सप्लाई नहीं हो पा रही तो जो चीजें हैं उनकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली भी तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है और डायग्राम भी आपको यही शो कर रहा है क्या, कि अगर डिमांड बढ़ती है सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता तो क्या होगा बेटा, प्राइस बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे सप्लाई वाले केस के अंदर, जीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले आएगा बच्चे यहां से डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, यहां से आई आपकी क्या, ये हो गया आपका प्राइस, ये क्वांटिटी और ये। अब बेटा हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें बढ़ाना किसको है, सप्लाई को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है, जब सप्लाई को बढ़ाना है तो अब किसका कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई वाला होगा। चलिए ये रहा बच्चे सप्लाई कर्व, इसको मैंने राइटवर्ड यानी इस साइड आएगा ये कर दिया यहाँ से राइटवर्ड शिफ्ट, ये हो गया एस डैश। यहाँ पे बन गया क्या हमारा, एक नया इक्विलिब्रियम। यहां से अब आप क्या करो इसको, और यहां से इसको आप, तो ये क्वांटिटी हो गई और ये तो प्राइस कम हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई। अब आपको ये डायग्राम बन गया, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब आप एक ऐसे बाजार में बैठे हो जो इक्विलिब्रियम में है, हुआ क्या कि मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ रही, डिमांड अपनी जगह है, सडनली क्या हुआ मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। तो सप्लाई जब भी बढ़ेगी तो यानी आउटपुट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई मेरी। लेकिन जब सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड अपनी जगह कांस्टेंट रहे तो प्राइसेस क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, कम होंगे। तो दिखा रहा है डायग्राम भी यही चीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हवा में चलेगी कोई भी चीज, प्रैक्टिकली जो होता है वही डायग्राम के अंदर अपने आप शो होने लग जाता है। क्लियर है ये दोनों डायग्राम अब, ठीक है। अब रफली आप बनाइए, बेटा ये इधर ना गलत लिख दिया है थोड़ा, इसे सही कर रहे हैं। y एक्सिस x एक्सिस, इसमें बेटा ठीक कर लो यहां, देंगे एक बार। देखिए दूसरा कंडीशन है बच्चे हमारा केस सेकंड, यहां पे हम इसको ले रहे हैं यहां पे डिक्रीज में, फर्स्ट पार्ट है आपका वही डिमांड और सेकंड पार्ट है बच्चे आपकी यहां पे
सप्लाई, ठीक है। अब आपने बेटा पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया, ठीक है। इक्विलिब्रियम ड्रॉ करने के बाद प्राइस क्वांटिटी, अब यहाँ पे बेटा जो डिमांड है वो क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होगी तो कहाँ पे शिफ्ट होगी बेटा, ये लेफ्टवर्ड, ये हो गया आपका डी डैश। आपका बेटा नया जो इक्विलिब्रियम आएगा वो यहाँ पे आएगा ई डैश, Q1 डैश, P1 डैश, यानी प्राइस भी कम हो जाएंगे और क्वांटिटी भी। ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी तो क्वांटिटी भी कम ही आएगी उस चीज की। दूसरा, क्योंकि सप्लाई अपनी जगह कांस्टेंट है, डिमांड कम होती चली जा रही है, तो डिमांड कम होने पे क्या होगा, उस चीज के प्राइस मार्केट में गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम सेकेंड वाले की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे डिमांड सप्लाई प्राइस क्वांटिटी जीरो, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ई। अब बेटा हमें क्या काम करना है यहाँ पे, सप्लाई को कम करना है। तो सप्लाई को कम करना है तो एस डैश हो गया, ई डैश हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है बेटा, यहाँ क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है, अभी मार्केट इक्विलिब्रियम में चल रही थी, लेकिन सडनली मार्केट में क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई किसी चीज की, तो सप्लाई का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो प्राइसेस क्या होंगे मार्केट में, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो प्राइसेस क्या होगा बेटा यहाँ पे, बढ़ गए, ठीक है। बेटा देखिए इधर केस थर्ड आता है आपका, क्लास भी है, परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक कब होता है बेटा, जीरो या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कब आता है, जब किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो, है ना। नीचे क्या होता है यहाँ पे, क्वांटिटी या प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा, क्वांटिटी में, याद करा रहा हूँ सिर्फ आपको। अब जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना इनिशियल वाला, तो कैसे बनेगा ये समझो आप, ये ऐसे बनेगा, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा जीरो x एक्सिस, क्योंकि बेटा ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो कैसे बनेगा ये अब, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा, ये है इफ डिमांड इज परफेक्टली, तो ये डिमांड कब हो गया, सप्लाई कब कैसे जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग, यहां से ये गया क्या अपवर्ड स्लोपिंग, ये क्या हो गया सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम क्या हो गया आपका, ये हो गया आपकी क्वांटिटी, और ये क्या हो गया बेटा आपका प्राइस। अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा कि क्वेश्चन है, मान लो केस है हमारा, इसके अंदर हम केस लेते हैं क्या, इसमें दो केस बनेंगे, इफ सप्लाई इंक्रीजेस, अगर सप्लाई बढ़ती है तो, अगर बेटा सप्लाई बढ़ेगी तो कहां पे जाएगी वो, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, देखिए इधर अब ये कहाँ शिफ्ट होगी, राइटवर्ड एस डैश, नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे Q1,
तो इसके अंदर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सिर्फ ओनली क्वांटिटी कैन इंक्रीज, प्राइस रिमेन सेम, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है तो प्राइस तो वैसे भी चेंज नहीं होने थे। सप्लाई बढ़ने से क्या हो गया यहाँ पे, क्वांटिटी और इंक्रीज हो गई आपकी, क्लियर है। अब ऐसे ही दूसरा पार्ट क्या बनेगा बेटा इसके अंदर, अब इफ पहले ये डायग्राम बना लेते हैं, यहां y एक्सिस x एक्सिस जीरो, डिमांड कर्व, सप्लाई आ गई बच्चे आपकी ये, इक्विलिब्रियम आ गया आपका ये हो गया प्राइस, ये हो गई। अगला केस है कि इफ सप्लाई डिक्रीजेस, अगर बेटा सप्लाई डिक्रीज होगी तो कहां पे जाएगा ये S1, ये क्या हो गया बेटा E1, Q1 क्या हो गया यहाँ पे, क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, वो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद बेटा केसेस ये बनेंगे हमारे, जैसे ये इलास्टिक का वैसे ही हमारा इनइलास्टिक का बनेगा सप्लाई वाले केस में, कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर क्या बनेगा सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक। तो 8-6 डायग्राम तो इसके हो जाएंगे, करेंगे मतलब अभी इसमें 10-15 डायग्राम और है, ठीक है।